कि बहुजनों की सरकार बने केंद्र में और बहन मायावती प्रधानमंत्री बने, मेरी तो दिल इच्छा ही है। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे विद्वान मित्र भी बता रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बाप साहब संविधान बदलने की किसी की औकात नहीं है। अरे भैया संविधान तो बना लिया है, कौन सी हवा में घूम रहे हो आप लोग? संविधान तो बना लिया उन लोगों ने, इंतजार है 2019 के चुनाव का। अगर 2019 के चुनाव में आपने बहन मायावती को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो मुझे लगता नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को हम लोग बचा पाएंगे। धीरे धीरे यार, कम से कम चार बार सरकार बना सकते हो तो सारे अगर जुड़ जाओगे तो एक बार बोलो, नॉर्थ ब्लॉक का दफ्तर है कहां पर? दिल्ली के अंदर नॉर्थ ब्लॉक में दफ्तर है जहां भारत का प्रधानमंत्री बैठता है। अगर सारे लोग एक बार इकट्ठे हो जाओगे तो हो सकता है बहन मायावती को उस नॉर्थ ब्लॉक में बैठाने के लिए। पर जिसने अपनी प्रशासनिक क्षमता को, राजनीतिक क्षमता को पूरी दुनिया के सामने सिद्ध किया है तो पहला नंबर तो हमारी बहन जी का आता है, उसके बाद किसी और का। हम तो बहुमत में है, हमारे साथ तो आज ओबीसी साथ आ गया है, सिख भी साथ आ गया है, मुसलमान भी साथ आ गया है, और हमारी खुद की जो आबादी एक चौथाई आबादी 25% आबादी भारत में है। अगर 2019 में फैसला हो जाए और पूरा समाज इकट्ठा हो जाए और बहन मायावती प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठ जाए तो हमारी समस्या तो अपने आप हल हो जाएगी, हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। अगर भारत के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो शपथ ले लो, बहन मायावती को प्रधानमंत्री आपको बनाना पड़ेगा, शपथ लेते हो कि 2019 के चुनाव में आप सबको मिलकर के राजस्थान से बहन मायावती को सारी सीटें दे करके वहां पर प्रधानमंत्री बनाना। बहन मायावती जी अपनी कार्यशैली के लिए प्रसिद्ध हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंट है, उनसे बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर भारतवर्ष में अगर एडमिनिस्ट्रेटर की बात की जाए तो शी इज द वन बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री, और चार बार भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, और उन्होंने अपने कार्यों के आधार पर सिद्ध किया है कि वो भारत की एक बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और अगर आने वाले समय में उनको समाज के सहयोग से बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो जिस तरह उत्तर प्रदेश का उन्होंने प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त बनाया, हमें उम्मीद है कि पूरे देश के अंदर वो एक नई व्यवस्था कायम करेगी। बहन जी अपनी सोच और समझ से उन्होंने जितना बेस्ट वो कर सकती थी उन्होंने करने का प्रयास किया। ना समझी हमारे समाज की भी रही, पिछले दिनों में गलती कहीं ना कहीं तो हुई, थोड़ा घना कहीं तो गलती हुई। आज तो नंगा नाच से कहते हैं, तो नंगा नाच होगा कितना, उनके बैठने से आप सुरक्षित थे नहीं थे, बताओ सुरक्षित थे नहीं थे? सक्षम नेतृत्व है बहन जी का नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उससे बड़ी आयरन लेडी कोई भारत में पैदा हुई है बताइए? उसके बावजूद भी अब लोग खाते में चले गए, ये एक सोचने का सवाल है, प्रश्न है जिस पर विचार होना चाहिए ईमानदारी से। 2019 का आगाज भी होना चाहिए, एक लाइन ऑफ एक्शन तय होना चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में हम इस जो हमारी उम्मीद है, जो हमारी एक भावना है, वो हमारी पूरी होगी, और एक दिन भारत जैसे इस राष्ट्र की बागडोर बतौर प्रधानमंत्री हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज की हमारी नायिका, हमारी बड़ी बहन, हमारी आदरणीय नेता बहन मायावती एक दिन इस कुर्सी को सुशोभित करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने चार बार मुख्यमंत्री बनकर के इस प्रदेश का शासन सुधारा, प्रदेश को नई व्यवस्थाएं दी, प्रदेश में एक नई उन्होंने जो है जान डाल दी, अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इस देश के विकास के लिए एक बहुत ही ये दूरगामी कदम साबित होगा। कि आपकी चार बार आपके समाज की एक बेटी मुख्यमंत्री, अरे यार जो आज तमाशा हो रहा है, आज जो तमाशा हो रहा है, लोग कहते हैं कि मायावती जी ने कुछ नहीं किया, अरे मायावती जी ने कम से कम आपको सम्मान से जीने का एक अवसर तो प्रदान किया, उनके रहते हुए आपके साथ तो जायती तो नहीं होती थी, आज तो सरेआम हो रहा है, सरेआम हो रहा है, क्यों रहा है, जो कुछ हो रहा है सरेआम हो रहा है। भारत की एक बहुत बड़ी शख्सियत, दलित समाज की एक बहुत बड़ी चाहत, और भारत के सबसे बड़े प्रांत की चार बार मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाली हमारी बहन मायावती जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम महासंघ की तरफ से, महासंघ के सभी संगठनों की तरफ से, महासंघ के सभी लाखों जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी इसके सदस्यों की तरफ से
इस शुभ अवसर पर बहन जी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। वो हमेशा स्वस्थ रहें, इसी तरीके समाज का वो सेवा करती रहें, एक दिन वो भारत जैसे देश का नेतृत्व करके हमारे समाज का गौरव बढ़ाएं। इस शुभ अवसर पर हम सभी बाबा साहब अम्बेडकर की अनुयायी बहन मायावती जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आने वाले समय में हम उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। वो हमारे समाज का किसी प्रकार नेतृत्व करती रहें, दिशा दिखाती रहें और समाज को सबको साथ लेकर चल करके एक नया इतिहास बनाएं।